नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत को बदलनी होगी अपनी चीन नीति, जो कि दैनिक जागरण में आज आया है विचार विमर्श पर इस पर। और उसके अलावा हम जो एक और हमारा मुख्य मुद्दा आया है जन कल्याण योजनाएं और सब्सिडी का दायरा, इन दोनों विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा भी जो अन्य टॉपिक आए हैं इसमें, जैसे कि लैंगिक समानता का संदेश, इसमें जो कि लैंगिक समानता जो खेलों में आज बढ़ रही है उसकी वजह से जो महिलाओं को सशक्तिकरण मिल रहा है उसके ऊपर इसमें चर्चा की गई है। तो यह एक आप इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा योजनाओं का लाभ इसे पढ़ सकते हैं। जो मुख्य दोनों भारत को बदलनी होगी अपनी चीन नीति और हमारी योजनाओं से संबंधित है और सब्सिडी से, हम इन दोनों पर मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं। उसके अलावा तालिबान शासन का एक वर्ष, यह भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे पहले। तो दिनांक है 26 अगस्त 2022 और हम चर्चा कर रहे हैं अपने भारत और चीन के ऊपर आई इस लेख से। जो पिछले 7 दशक है उसमें जो संबंध है उतार चढ़ाव बहुत रहे हैं भारत और चीन के बीच में, और जो शांति के प्रयास है जो भी भारत और चीन के बीच में हो रहे हैं उनके बावजूद जो चीन और भारतीय सीमा पर विवाद लगातार बढ़ रहे हैं, और उनमें जो चीन है और भारतीय उन दोनों पर मतलब उनके हितों पर चोट करना लगातार जारी है चीन द्वारा। और इसी को लेकर हम जो हमारे हमारा जो भारत चीन के साथ हमारा अभी तक का हमारा व्यापारिक समझौते या जो भी हमारे चीन के साथ एक साझेदारी रही है उसको हमें, और हमारी रणनीति को लेकर चीन के साथ उसमें हमें एक नीति को लेकर बदलाव करने की बहुत जरूरत है, यहाँ पर लेखक द्वारा जो समझाया गया है। तो चलिए इसको विस्तृत रूप में जानते हैं। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प ने दोनों देशों के बीच कड़वाहट को और गहरा कर दिया, यानी कि जो गलवान घाटी में झड़प हुई थी उसी से हमारे जो जो पहले की भी जो प्रॉब्लम चली आ रही थी गलवान घाटी से, फिर वो बहुत ही मजबूत हो गई है, वो कड़वाहट और भी दोनों के बीच में दूरियां और बढ़ी है। दोस्तों हम गलवान घाटी के ऊपर चर्चा करने से पहले इस मुद्दे पर हम गलवान घाटी को देख लेते कहां पर इसका, और जो हमारे ये चीन और झड़प हुई थी वो उस एरिया के बारे में देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये लद्दाख और यहाँ से ऊपर जो ये भाग जहाँ पर चीन अपना अधिकार मानता है और जहाँ पर हमारे 1962 के युद्ध के बाद चीन कब्जा करके बैठा है, जो कि अक्साई चीन कहता है इसको, और ये तिब्बत के क्षेत्र में इसको मानता है, इसको वो अरुणाचल प्रदेश है, इन दोनों को जो है चीन अपने क्षेत्र में और जो तिब्बत के रूप में मानता है, तिब्बत के हिस्से हैं ये। और ये गलवान घाटी यहाँ से गलवान नदी निकलती है दोस्तों, इसीलिए इसको गलवान घाटी भी के रूप में भी जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं ये वाला भाग जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा साहिल कांगरी से बीच में, ये घाटी के रूप में नदी के यहाँ पर दिख सकते हैं आप चारबाग कांगरी। यहाँ पर मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ दोस्तों, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आप जो आपको येलो लाइन दिख रही होगी इस तरफ से होते हुए एक घाटी के रूप में दिखाई देता है। तो ये रहा दोस्तों गलवान घाटी, और यहाँ पर जो इन्हीं माउंटेन रेंज के बीच में, इन्हीं रेंजेस के बीच में हमारे झड़पें हुई थी चीन के साथ। तो इसको देखे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो माउंटेन रेंजेस है यहाँ पर दिख रही हुई घाटियों में हिमालयी क्षेत्र लद्दाख का पूर्वी क्षेत्र है ये। तो यही था, यहीं पर गलवान घाटी हुई थी और यहीं पर हमारे 2020 में जो मुख्य झगड़े हुए थे या मुख्य झड़पें हुई थी सैन्य झड़पें, यहीं पर से शुरुआत हुई थी। और उसके बाद से जो चीन और भारत के रिश्ते में लगातार जो है वो हमने यहाँ पर कड़वाहट आती देखी है। चलिए फिर हमारे मुख्य मुद्दे पर चलते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। जहाँ पर इसमें बताया गया है कि जो 1962 का युद्ध हो और उसके पश्चात सीमा विवाद के समाधान के प्रयास हो, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्य बनने का चीन लगातार अड़ियल रूप अपनाए हुए, यानी कि जो 1962 के युद्ध से शुरू हुआ है उसके पश्चात जो सीमा विवाद के समाधान के रूप में हो, या फिर संयुक्त राष्ट्र में जो भारत का स्थायी सदस्य बनने के रूप में भी हो, तो वहां पर भी हमेशा चीन ने अपना अड़ियल रूप किया और वहां पर भी अपना जो उस भारत का समर्थन नहीं करने का उसने एक रुख अपनाया हुआ है।
चीन हिंद महासागर में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत भारत के चारों तरफ अपने सैन्य अड्डे का विस्तार करता रहा, यानी कि जो हिंद महासागर है उसमें जो इसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति है उसका भी भारत के चारों तरफ, यानी कि उसमें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति में उसके जो सैन्य अड्डे बनाए जा रहे हैं उसका वो हिंद महासागर के चारों तरफ विस्तार कर रहा है, ताकि वह इस क्षेत्र पर अपना अधिकार और अपना वर्चस्व स्थापित कर सके और भारत को भी घेर सके। और इसके साथ ही जो वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध भारत के प्रस्तावों पर भी हमेशा रोड़ा लगाता रहा है। इससे चीन की नई दिल्ली के प्रति दुर्भावना स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। नई दिल्ली यानी कि हमारा एक तरह से जहाँ केंद्र सरकार बैठती है जो कि देश का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए ये अपने राष्ट्र के प्रति या भारत के प्रति दुर्भावना स्पष्ट रूप से प्रकट करती होती है यहाँ से। अब जो यहाँ पर आया दोस्तों कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं कि यह भी एक परीक्षा से के दृष्टि से उपयोगी है। अगर हम यहाँ चलते तो हम जानते हैं कि एक GS2 से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन, भारत और उसके पड़ोसी और उसमें चीन से। तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या है अगर देखते हैं तो इसमें चीन द्वारा कई देशों में वाणिज्यिक सैन्य ठिकानों और बंदरगाहों के नेटवर्क का निर्माण कर रणनीतिक रूप से तैयार की गई नीति का नाम द स्ट्रिंग ऑफ पल्स है। यानी कि जो चीन द्वारा है वो अपने देशों में कई अन्य देशों में जो वाणिज्यिक अब ठिकाने, सैन्य ठिकाने और बंदरगाहों का जो नेटवर्क का निर्माण करना है, जो इसी को स्ट्रिंग ऑफ पल्स कहते हैं। अपने व्यावहारिक हितों की रक्षा के लिए चीन ने इस रणनीति को तैयार किया है, यानी कि क्योंकि इससे वह अपने जो अपने व्यापार है उसमें वो अपने हित के लिए इसको तैयार करेगा, ताकि वो चारों तरफ बंदरगाह बना सके हिंद महासागर में, अपने जो इस रूट में हिंद महासागर के रूट में जो देश पड़ते हैं मुख्य जो स्वेज नहर से होते हुए अटलांटिक में जाते हैं, इस रास्ते पर वह एक अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, इसलिए इस नीति को भी उसने तैयार किया है। और हिंद महासागर की जो आर्थिक उपयोगिता बढ़ती जा रही है उसको भी लेकर वह महत्वाकांक्षी दिख रहा है यहाँ पर, और अपना इस नीति को विस्तार दे रहा है। इसमें उसने एक बड़ा हिस्सा हिंद महासागर और विभिन्न चौक पॉइंट्स जैसे हारमुज की जल संधि यानी हारमुज जल संधि है, उसके अलावा जो मलक्का जल डमरू मध्य या जल संधि है, और जो लोम्बोक जल डमरू मध्य है, जिसे लेकर बांग्लादेश, मालदीव और सोमालिया के साथ साथ पाकिस्तान, श्रीलंका में अन्य रणनीतिक समुद्री केंद्रों से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर जो हमने देखा कि हॉर्मुज की जल डमरू मध्य, मलक्का जल डमरू मध्य, लोम्बोक जल डमरू मध्य से लेकर बांग्लादेश, मालदीव सोमालिया के साथ साथ पाकिस्तान, श्रीलंका में अन्य रणनीतिक समुद्री केंद्रों से होकर गुजरता है। जानते हैं हम मैप पे दोस्तों चलिए कि कहाँ पर आ गए हमारे हॉर्मुज की जल संधि, कहाँ है मलक्का, कहाँ है स्टेट, कहाँ है लोम्बोक स्टेट, कहाँ पर है हमारे मैप पर। सबसे पहले देखते हैं मलक्का स्टेट को। तो मलक्का स्टेट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इंडोनेशिया और जो मलेशिया सिंगापुर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसके बीच में यहाँ पर स्थित है इंडोनेशिया, और इसके बीच में यहाँ पर हमारी मलक्का स्टेट। उसके साथ अगर इसको मैप पे देखें तो यहाँ पर हमको साफ साफ देखे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हमारा ये यहाँ पर देख सकते हैं हमारा भारत। और यहाँ पर अगर हम इसमें बड़े मैप के रूप में देखें इसको तो यहाँ पर ये भारत है, ये बंगाली खाड़ी, ये अरब सागर और यहाँ पर हमारा हिंद महासागर। और जो आप देख सकते हैं आप मलक्का जल डमरू मध्य या फिर मलक्का स्टेट, तो ये देख सकते हैं आप मलेशिया, इसके इंडोनेशिया और इधर इसके बीच में रहती है, जो कि मलक्का स्टेट से होते हुए हमारे यहाँ पर दक्षिण चीन सागर में जाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, समुद्री मार्ग है। उसके अलावा जो हमारा अगला है
वह है लोम्बोक जल डबरू मध्य। अगर लोम्बोक देखें दोस्तों, हम लोम्बोक जो जावा और हिंद महासागर को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जकार्ता है यहाँ पर, और ये यहाँ पर आप माताराम और डेन पासर के बीच में देख सकते हैं, यहाँ पर ये लोम्बोक जल डबरू मध्य लोम्बोक जल संधि है। यह भी एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में स्थित है, इसलिए यह एक भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, और चाइना है जो इन्हीं रास्तों से होते हुए अपने जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स है नीति है उसको अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। तो और आगे बढ़ते जानते हैं इस रणनीति के पीछे का मकसद क्या है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स भारत के आसपास हिंद महासागर के क्षेत्र यानी कि जो उस क्षेत्र है उसमें एक नेटवर्क स्थापित करने का एक इरादा रखता है, और जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स है उसमें एक श्रृंखला के स्थायी चेन जो स्थायी चीनी है वो सैन्य स्थापना के किसी न किसी रूप का प्रतिनिधित्व करता है। यानी वहां पर ये अपने सैन्य स्थापना को भी महत्वपूर्ण रूप देना चाहता है, और ताकि वो स्थायी रूप से वहां पर बन सके। इसमें दोस्तों पाकिस्तान का ग्वादर और श्रीलंका में हम्बन टोटा और म्यांमार में बंगाल की खाड़ी पर सितवे आदि बंदरगाहों का हालिया विकास स्ट्रिंग ऑफ पल्स की रणनीति का हिस्सा है। अब हम श्रीलंका के हम्बन टोटा को देख लेते हैं दोस्तों, कि यह भी एक महत्वपूर्ण है और अभी चर्चा में बना हुआ है भारत की, जो वहां पर चीन ने अपना जो सुरक्षा जो जहाज है खुफिया जहाज जो मिसाइलों आदि को ट्रैक कर सकता है बहुत ही दूर से उसको भी भेजा है, तो उसके ऊपर भी यह एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है हमारे परीक्षा की दृष्टि से। अगर हम इसको देखें हम्बन टोटा को, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों, हम्बन टोटा जो कि दक्षिण क्षेत्र में जो दक्षिणी क्षेत्र में इसके स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीलंका है और ये भारत, और यहाँ पर हम्बन टोटा। अगर हम्बन टोटा को देखें दोस्तों, तो आप यहाँ पर ये साफ रूप से ऐसा दिखाई देगा आपको, ये हम्बन टोटा बंदरगाह है यहाँ पर, और यहीं पर चीन ने अपना जो खुफिया जहाज और जो खुफिया रूप से जो जानकारी हासिल कर सकता है वो जहाज यहाँ पर चीन ने भेजा था, जिसे कि युआन वांग 5 का नाम दिया गया, जो कि जासूसी जहाज है चीन का। तो जो हम्बन टोटा है दोस्तों, इसलिए भी यह एक महत्वपूर्ण भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण रूप में बन जाता है, ताकि क्योंकि यहाँ पर से चीन भारत की जो महत्वपूर्ण गतिविधियां करता है सैन्य 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 उपकरणों को लेकर। वहां पर अगर चीन यहाँ पर अपना पोर्ट इसको जो कि श्रीलंका ने जो कर्ज ना चुकाने कारण भी चीन को इसे लीज पर दे दिया है, उसकी वजह से भी अब भारत के लिए एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य रखता है महत्वपूर्ण, जिससे भारत अब उसकी सैन्य कार्रवाई में समस्या आ सकती है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें हम देखते हैं कि जो ये हालांकि ये जो सारे बंदरगाह चीन ने अपना स्थायी ठिकाने बनाने के लिए किए हैं वो सारे वाणिज्यिक बंदरगाह हैं, परंतु तो यहाँ डर है कि भारत के संघर्ष की स्थिति में इन्हें आसानी से नौसेना सुविधाओं में बदला जा सकता है, क्योंकि उनका उस पर चीन का जो निवेश है और जिन पर अधिकार है जैसे कि हम्बन टोटा है उस पर, तो वहां पर वो आसानी से उनको नौसैनिक सुविधाओं में और नौसैनिक ठिकानों में बदल सकता है अगर ऐसा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है तो। इसलिए भविष्य को देखकर भारत को अपने जो नीति है उसमें बदलाव की जरूरत है। और स्ट्रिंग ऑफ पल्स के सिद्धांत के निहितार्थ क्या है इसमें हम देखते हैं, तो हम मुख्य रूप से देखते हैं जो इसमें सामरिक प्रभाव बढ़ाना है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, और भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए भी खतरा है, और जो है भारत के संसाधनों पर भी प्रभाव है। संसाधनों पर प्रभाव किस प्रकार से है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका असर यह होगा कि भारतीय जो संसाधन है और उस पर और रक्षा और सुरक्षा की ओर मोड़ दिया जाएगा। नतीजन अर्थव्यवस्था अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगी, जिससे आर्थिक विकास प्रभावित होगा। यह भारत और पूरे पूर्व और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में अस्थिरता को बढ़ा सकता है। उसके अलावा जो एशियाई नौसेना ठिकाने इसमें अपना कैसे जो कि चीन अपना रहा है उन देशों में है, भारत को घेरने के लिए अपने नौसैनिक ठिकानों के जरिए पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश म्यांमार में बंदरगाह परियोजनाओं का चीन वित्त पोषण कर रहा है, और अपने नौसैनिक अपने वाणिज्यिक रूप से जो अपने ठिकाने बना रहा है वो उनको नौसैनिक रूप में भी उपयोग कर सकता है,
भविष्य में देखा जाए तो। उसके अलावा सेशेल्स है, जो कि चीन से मौद्रिक सहायता के बदले में चीनी नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की उसने अनुमति दी है, और भारत और चीन के बीच नौसैनिक संघर्ष में यह देश भी अहम भूमिका निभा सकता है। अफ्रीका में उसने नौसैन्य बेस बनाया है जिबूती में, जो क्योंकि जिबूती जो स्वेज नहर से होने वाला व्यापार है उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि हमारे भूमध्य महासागर से होते हुए अटलांटिक से होते हुए एक यूरोप और हमारे दक्षिण एशिया से का एक जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बनता है। और यहाँ पर भी अगर चीन अपना यहाँ पर चीन अमेरिका फ्रांस और अन्य देश भी अपनी प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर अन्य सैन्य ठिकाने भी बने हुए अन्य देशों के भी। और चीन का तर्क जिबूती के आधार पर समुद्री डकैती, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना और मानवीय राहत मिशनों का समर्थन करने के लिए है, यानी कि अगर वहां पर अपना चीन जो अपने पैर पसार रहा है उसका आधार उसने यह जो उपयुक्त उपरोक्त दिए हुए हैं। और जो चीन में एक नौसैनिक अड्डे जिबूती में एक नौसैनिक अड्डे की उपस्थिति ने भारतीय चिंताओं को हवा दी है। यह बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका में सैन्य गठबंधनों और संपर्कों की मदद से भारतीय उपमहाद्वीप को घेरने की चीन की रणनीति का हिस्सा है। उसका अलावा जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मुकाबला करने के लिए भारत ने क्या कदम उठाए, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उसका एक तो भारत के द्वारा उठाया गया जो कदम है उसमें आता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने के लिए शुरू किया गया था। इसमें जो है नीति में वियतनाम, दक्षिण कोरिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर के साथ महत्वपूर्ण सैन्य और रणनीतिक समझौतों तक पहुंचने के लिए किया गया है, जिनमें से सभी ने चीन के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत की सहायता की है। यानी कि जो भी देश इसमें शामिल है वो अधिकतर चीन से उनके जो है वो सही रिश्ते हैं, या फिर जो भी रणनीतिक संबंध है और जो वैश्विक संबंध है वह सही नहीं है, और उसमें भारत की वह सहायता भी कर रहे हैं। और ऐसा अगर आगे समय पर कार्य पड़ा तो सभी मिलकर एक ऐसी ये ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने पर तुले हैं जो कि चीन को काउंटर कर सके। और अन्य देशों के साथ सैन्य संबंध और नौसैनिक अभ्यास भारत बढ़ा रहा है, ताकि वह चीन को हिंद महासागर क्षेत्र में भी काउंटर कर सके। यानी कि भारत ने अपनी नौसेना के उन्नयन और प्रशिक्षण के लिए जो म्यांमार के साथ सामरिक नौसैनिक संबंध विकसित किए हैं, जिससे भारत इस क्षेत्र में एक बड़ा सांप्रदायिक पश्चिन्न प्राप्त कर रहा है। उसके अलावा भारत ने जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका भी क्षेत्र में सैन्य सहयोग समझौते किए हैं। और चार देश जो कि आईओआर क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं उन्हें क्वाड के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो हमारे हिंद महासागर के क्षेत्र में जो यहाँ पर जो सैन्य अभ्यास करते हैं क्वाड में के रूप में जाना जाता है, जिसमें कि अपना यूएसए आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है, उसके अलावा जापान और भारत, ये चारों देश मिलकर क्वाड का निर्माण करते हैं। और जो भारत है उसमें उसके अलावा भारत भी अन्य देशों में अपने सैन्य अपने मतलब बंदरगाहों का में सहायता कर रहा है और निर्माण में सहायता कर रहा है, और वहां पर निर्माण कर रहा है और निवेश कर रहा है, जिससे कि अगर ऐसी स्थिति बनती है भविष्य में तो भारत उनका उपयोग कर सके या एक समझौते के तहत उनकी मदद ले सके। और वहां पर जो इसी स्थिति में जो कि अगर हम इसी स्थिति उत्पन्न होती तो हम उसमें उनका सहयोग प्राप्त कर सके, इसलिए भारत भी वहां पर निवेश कर रहा है, जिसमें कि ईरान में चाबहार बंदरगाह है, इंडोनेशिया में सबांग है, म्यांमार में सितवे है और बांग्लादेश में मोंगला है, सिंगापुर में चले तो वहां पर चांगकी बंदरगाह है, चांगकी नेवल बेस है, जो कि वहां पहुंचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने सिंगापुर के साथ, ओमान में हॉर्मुज है, उसके अलावा फ्रांस के साथ देखे जो सामरिक समझौते किए भारत ने, उत्तर के आसपास में चीन में निवेश है, यानी कि उत्तर में जो आसपास है चीन के आसपास के चीन में निवेश किया है, यानी कि भारत में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और मंगोलिया में महत्वपूर्ण राजनयिक निवेश किया है। ये सारे देश चीन की सीमा लगे हैं, ताकि वो भारत की वहां तक पहुंच हो सके, इसलिए भारत भी उनके साथ अच्छे अपने वैश्विक रिश्ते बना रहा है। और गुड़गांव में सूचना संलयन केंद्र भी स्थापना की है भारत ने, जो हिंद महासागर क्षेत्र गुड़गांव में स्थित है, मित्र राष्ट्रों के साथ वास्तविक समय की समुद्री जानकारी साझा करेगा इसके तहत। उसके अलावा डायमंड नेकलेस नीति, यह भी एक महत्वपूर्ण नीति हो जाती है, डायमंड नेकलेस नीति, भारत ने डायमंड नेकलेस रणनीति को विकसित करना शुरू कर दिया है। यह योजना चीन को घेरने या यूं कहें कि यह चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को चुनौती देने के लिए है। चीन
चीन के उद्देश्यों का मुकाबला करने के लिए भारत अपने नौसैनिक अड्डों का विस्तार कर रहा है और रणनीतिक रूप से स्थित देशों के साथ संबंध बना रहा है। तो दोस्तों, हमने यहाँ तक स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति के बारे में विस्तार से जाना। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते तो यहाँ पर वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध भी भारत के प्रस्तावों पर हमेशा चीन रोड़ा लगा रहा है। उसके अलावा जो चीन का आइडियल रुख है, उसके कारण द्विपक्षीय स्तर है उस पर भी लगातार जो वार्ता है वो विफल हो रही है और उसमें समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और जो अगर हम देखें तो गलवान में हुई झड़प के कारण 16 दौर की जो सैन्य वार्ता हुई है, अन्य मंचों पर जो द्विपक्षीय वार्ताओं के बाद भी सीमा पर तनाव लगातार बना हुआ है। और जो पूर्वी लद्दाख में टकराने वाले सभी स्थानों में चीन अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए हुए हैं, जिसके कारण यह हमारी ये वार्ताएं भारत और चीन चीन के बीच में सफल नहीं हो रही है, क्योंकि चीन अपनी बातों से मुकर रहा है और भारत भी, फिर इसलिए भारत उसके साथ टकराव में आ रहा है बार बार। उसके अलावा जो चीन है, हिंद महासागर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नियमों और छोटे देशों की संप्रभुता का उल्लंघन करना, यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है कि चीन के साथ जो रिश्ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हैं, वो खराब होते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो जो हिंद महासागर के अफ्रीकी देश है जिबूती, उसमें भी चीन जो 2016 से अपने नौसैनिक अड्डे का निर्माण कर रहा है, वह भी एक महत्वपूर्ण भारत के लिए एक विषय बन जाता है कि भारत इस पर ध्यान दे और चीन के रूप जो रणनीति है उस पर विशेषकर अपनी नीति में बदलाव करें, ताकि वह भी इसको काउंटर कर सके अच्छे से। वैसे भारत ने इसमें अपनी रणनीति अपनाई है और जो कि हमने अभी देखी भी है स्ट्रिंग ऑफ पल्स को लेकर, परंतु भारत को इसमें और अपने रुख में जो है वो स्पष्टता लाने की जरूरत है कि जो चीन के दोनों तरीकों को साथ नहीं दिया जाएगा। अगर वह भी ऐसे रुख अपनाता है तो भारत भी उसके खिलाफ सख्त रुख अपनाने को मजबूर है। इसी में जो स्वेज नहर है उसके आसपास जो जाने वाला रास्ता है व्यापारिक जहाज पर भी चीन की रणनीतिक बढ़त हासिल हो सकती है, अगर वह ऐसे अपना अड्डे का निर्माण जो कर रहा है उसको लेकर। अगर दोस्तों अब चलते हैं मैप पर और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिबूती कहाँ पर और स्वेज नहर से किस प्रकार से यह एक महत्वपूर्ण मार्ग बन जाता है भारत के लिए भी, और चीन जो इस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है उसको भी हम जानते हैं यहाँ पर देखकर। तो ये दोस्तों भारत, हमारा भारत, और यहाँ पर जो चीन है वह या दक्षिण चीन सागर से इस रास्ते से जो मलक्का स्ट्रीट है, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मलक्का स्ट्रीट सिंगापुर मलेशिया से यहाँ पर, और हिंद महासागर से होते हुए जो ये राजमार्ग जो ये मार्ग है यहाँ पर समुद्री मार्ग महत्वपूर्ण, यह एक हिंद महासागर की अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है और इसी से बहुत सारे अधिकतर व्यापारिक लेन देन होते हैं यहाँ से, तो इसलिए भी एक महत्वपूर्ण मार्ग बन जाता है। जो कि आप यहाँ देख सकते हैं जिबूती, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया और इरिट्रिया, ये चारों देश इसमें शामिल है। यहाँ पर जो है ये अदन की खाड़ी हो जाती है, ये अरब सागर से अदन की खाड़ी होते हुए जो जिबूती है यहाँ पर, ये देख सकते हैं जिबूती, ये यहाँ पर हमारा जिबूती है जो कि अदन की खाड़ी से होते हुए ये लाल सागर में यहाँ पर इसका एक प्रवेश मार्ग के रूप में स्थित है। और यहीं पर हमारी बाब उल मंदेब संधि भी है जो कि एक महत्वपूर्ण संधि हो जाती है लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बाब उल मंदेब मंदेब स्ट्रेट, और उसी के साथ हम जब लाल सागर में जाते हैं यहाँ पर ये आप देख सकते हैं लाल सागर, ये हमारा लाल सागर है यहाँ पर, और यहाँ पर है हमारी एक स्वेज की खाड़ी है यहाँ पर, इसी के साथ आती है हमारे यहाँ पर स्वेज नहर जो कि इसको लाल सागर को जोड़ती है हमारे भूमध्य सागर से। और ये देख सकते हैं आप स्वेज गल्फ से होके हमारी स्वेज नहर जा रही है जो भूमध्य सागर तक, ये हमारी पोर्ट सहित से आप देख सकते हैं इसका उत्तरी हिस्सा पोर्ट है सहित है, जो यहाँ पर हमारे स्वेज नहर यहाँ से यहाँ होते हुए जा रही है। जो इसके हम कुछ इमेजेस देख लेते हैं जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है, क्योंकि यहाँ से जो यूरोप से या फिर
उत्तरी अमेरिका से जो भी सामान या जो भी मालवाहक जहाज जाते हैं वो अधिकतर इसी से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही मतलब ये जो हमारे समय को बहुत बचा लेता है, और जो अगर हिंद महासागर में आना है तो यह एक बहुत सुगम सुगम मार्ग बन जाता है व्यापारिक लेन देन के लिए, जिससे कि समय की बचत होती है और दूरी में भी बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। तो आप देख सकते हैं सुएज नहर इस प्रकार से यहाँ पर यह एक चाहता है। ठीक है, अब फिर से हम हमारे टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों, हमारे टॉपिक के ऊपर चलते हैं, वहां पर देखते हैं कि आगे क्या चर्चा करनी है इस पर। उस पर जो है कि हिंद महासागर में हमने यहां तक देखा है, उसके अलावा अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाल ही में जो भारत की आपत्तियों के बावजूद जो चीन है वो जासूसी जहाज युआन वांग 5 के श्रीलंका के हम्बनटोटा द्वीप पर एक गया, जबकि श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक अनुमति भी नहीं दी थी इसकी। यानी कि श्रीलंका ने पहले तो इसको मना किया था कि आप मत अभी मत आइए। उसके अलावा भी चीन के दबाव के बावजूद फिर वह वहां पर युआन वांग 5 को श्रीलंका मना ही नहीं कर पाया। उसके अलावा जो चीन का जासूसी जहाज जो है वो इस क्षेत्र में आना भारत के चीन संबंधों के गिरते ग्राफ को ही दर्शाता है। उसके अलावा जो अनेक वैश्विक मुद्दे उन पर भी भारत चीन में आम सहमति नहीं है, और भारत और अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित करने का जो प्रस्ताव रखा गया था उसमें भी चीन ने उसमें अड़ंगा डाला है, और उसमें जो प्रस्ताव रखा गया था उसको रोक लगा दी है इस प्रकार। और इसी हरकत से उसने एक और अन्य आतंकी यानी कि अब्दुल रफ अजहर के मामले में भी यही कार्य उसने किया है। तो इससे पता चलता है कि चीन भारत के को मतलब भारत का सिर्फ फायदा उठाना चाहता है, अपने व्यापारिक लेन देन तक ही सीमित है। उसके अलावा उसकी भारत से कोई महत्वाकांक्षा और वो भारत को कोई किसी मित्र के रूप में नहीं देखना चाहता है। तो यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि वह हर बार भारत के संयुक्त राष्ट्र में हर मामलों में जब अड़चन डालता है तो उससे उसका रुख साफ हो जाता है। और जो गलवान घाटी के बाद स्थितियां काफी बदल भी गई है, भारत में चीन विरोध की लहरें चल रही है, भारत सरकार द्वारा सैकड़ों चीनी ऐप को प्रतिबंधित भी किया गया है, और जो वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी चीन नीति का समग्र विश्लेषण इसीलिए भारत को करने की बहुत जरूरत है, और उसमें जो बुनियादी बदलाव लाना की बहुत ही सख्त जरूरत है। और यह समय की और जो भारत के अर्थव्यवस्था को देखते हो, भारत की विदेश नीति को देखते हो, उसकी बहुत ही जरूरी हो गया है। और जो विदेश मंत्री है भारत के एस जयशंकर, उन्होंने भी ये चिंता प्रकट की है कि बीजिंग ने भारत चीन सीमा पर जो किया उसके बाद दोनों देशों के बीच संबंध बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो वैश्विक राजनीति आजकल अपने सबसे अनिश्चित दौर में भी है। कुछ वैश्विक शी जिनपिंग के नेतृत्व वाले चीन की तुलना हिटलर के नेतृत्व वाले जर्मनी से भी कर रहे हैं, क्योंकि चीन भी अपनी विस्तारवादियों को नीतियों को लेकर बहुत ही चर्चा में रहता है, और वो उससे उसका आलोचना भी की जाती है अन्य देशों द्वारा। और अगर आगे बढ़ते देखते हैं कि भारत को व्यापक वैश्विक समर्थन हासिल करना चाहिए ताकि वह चीन की नीतियों का काउंटर कर सके, और जिससे चीन की वैश्विक पहुंच को संतुलित भी किया जा सके, और अन्य सहयोगी साथ मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में और सक्रिय होना चाहिए, इसके जिससे चीन की व्यापारिक तानाशाही को नियंत्रित किया जा सके। और जो क्षेत्रीय आपूर्ति चेन है उसको वैश्विक एवं क्षेत्रीय उसको भी अपने प्रयासों पर लगातार ध्यान देना चाहिए। इसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को मिलकर एक आर्थिक गलियारे के निर्माण पर विचार करना चाहिए, यानी कि जो हमारे दक्षिण एशिया के देश हैं और जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उनको मिलकर इस पर एक चर्चा और इस पर एक करना चाहिए ताकि वह चीन को काउंटर कर सके इस क्षेत्र में। तो हमने दोस्तों एक यहाँ पर देख लिया है मुख्य रूप से कि हम ये बाबुल मंदिर की जल संधि यहाँ पर है, उसके अलावा जो अगर हारमुज की जल संधि भी पूछी जाती है आपसे तो आप यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं, हारमुज जल संधि जो कि ओमान की खाड़ी और पारस की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करती है। हारमुज जल संधि यहाँ पर स्थित है, स्टेट ऑफ हारमुज। उसके अलावा ये हमारे दक्षिण एशिया
और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को इस बार साथ में आना चाहिए, जिसमें कि हमारा थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया आदि आते हैं, फिलीपींस, वियतनाम, ये सभी इसमें आते हैं। तो अभी चलते हैं फिर से हमारे उसी मुद्दे पर। इसमें जो हमारी एक और जो ताइवान मुद्दे पर चीन लगातार जो विश्व के सभी देशों से वन चाइना पॉलिसी पर समर्थन मांग रहा है, उसका भी भारत को विरोध करना चाहिए। यदि चीन को वन चाइना पॉलिसी की वैधता की चिंता है तो उसे अपने पड़ोसी देश की संप्रभुता का भी सम्मान करना चाहिए। यानी अगर वह अपने वन चाइना पॉलिसी को अगर चाहता है तो उसे भी अपने पड़ोसी देशों की संप्रभुता और उनके जो क्षेत्र है उस पर घुसपैठ नहीं करके उनका सम्मान करना चाहिए, तभी दूसरे देश उसका समर्थन कर सकते हैं। चीन को भारत की जमीन पर अपनी अनाधिकृत उपस्थिति को समाप्त करते हुए भारत की संप्रभुता और हिंद प्रशांत क्षेत्र को खुला एवं मुक्त रखने में सहयोग करना चाहिए। और यहाँ पर उल्लेखनीय बात भी है कि भारत ने 2010 के बाद से अब तक एक बार भी आधिकारिक मंचों से वन चाइना पॉलिसी का जिक्र नहीं किया है, जबकि उससे पहले हमने देखा है कि भारत ने कई मंचों पर वन चाइना पॉलिसी का जिक्र किया है। अब यहाँ पर बात आती है कि वन चाइना पॉलिसी क्या है, तो एक देखा जाए दोस्तों, एक जो संक्षेप में देखा जाए तो वन चाइना सब पॉलिसी चाइना के ताइवान को लेकर है। यानी कि चाइना जो ताइवान पर अपना अधिकार मानता है, वह उस पर वैश्विक मंच पे रजामंदी चाहता है और उसी को लेकर उसकी वन चाइना से पॉलिसी और उसके अंतर्गत उसके अपने कुछ उसने अपने कुछ बना रखे हैं कि हाँ उसका उन कारणों से वह ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है, उसको भी एक चीन का हिस्सा ही मानता है और उसको कोई आधिकारिक मान्यता चीन नहीं देता है। अगर वन चाइना से पॉलिसी के बारे में जानते हैं दोस्तों कि क्या है ये, अगर वन चाइना से पॉलिसी क्या है तो उसके देखते हैं तो उसमें पता चलता है हमें जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, यानी कि जो मेन चाइना है उस पर जो 1949 में अस्तित्व में आया था, क्योंकि 1949 में अस्तित्व में आया था, इसे आमतौर पर चीन कहा जाता है। यानी जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जो आज मुख्य मेनलैंड चाइना है, उसे वह 1949 में जो कम्युनिस्ट शासन है उसकी वजह से वह अस्तित्व में आया था जब वहां पर सरकार बनी थी। इसके अंतर्गत जो मेनलैंड चीन है और हांगकांग के मकाओ जैसे दो विशेष रूप से प्रशासित क्षेत्र आते हैं, वहीं जो दूसरी तरफ रिपब्लिक ऑफ चाइना है यानी कि जो ताइवान है, जिसे आज जिसका एक ताइवान के रूप में जानते हैं, उसको रिपब्लिक ऑफ चाइना उसका आधिकारिक नाम है, जो कि वर्ष 1911 से 1949 के बीच मेनलैंड चीन पर उसका ही कब्जा था, लेकिन अब उसके पास ताइवान और कुछ द्वीप समूह ही बचे हैं और उसे आमतौर पर सिर्फ ताइवान के रूप में जाना चाहता है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब चीन की एक ऐसी नीति से है जिसके मुताबिक चीन नाम का सिर्फ एक ही राष्ट्र है और ताइवान कोई अलग देश नहीं है, बल्कि जो चीन है का ही एक वह प्रांत माना जाता है चाइना के द्वारा। और दूसरे शब्दों में कहें तो वन चाइना सा पॉलिसी चीन वह नीति है जिसके तहत चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। और चीन का मानना है कि ताइवान भी हांगकांग और मकाओ की तरह चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन ताइवान चीन के इस नीति को नहीं मानता और स्वयं को स्वतंत्र घोषित करता है। इसी के तहत जो चीन का कहना है कि दुनिया के जो देश पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ कूटनीतिक रिश्ते चाहते हैं, उन्हें पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अर्थात ताइवान से सारे आधिकारिक रिश्ते तोड़ने होंगे। यानी कि जो मेनलैंड चीन है उसके साथ अगर कोई अपने आधिकारिक रिश्ते या कूटनीतिक रिश्ते चाहता है तो उसे ताइवान से अपने रिश्ते आधिकारिक रिश्ते तोड़ने होंगे। अमूमन कूटनीतिक जगत में यही माना जाता है कि चीन एक है और ताइवान उसका हिस्सा है। दूसरे शब्दों में कहें तो दुनिया के अधिकांश देश चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं और ताइवान को मान्यता नहीं देते। संयुक्त राष्ट्र ने ताइवान को मान्यता नहीं दी है। अब वन चाइना पॉलिसी पर भारत का रुख क्या है, अगर इस पर देखा जाए तो परंपरागत रूप से भारत विदेश नीति पर नजर डाले तो पता चलता है कि भारत चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, अर्थात भारत ने भी सीधे तौर पर कभी ताइवान को एक अलग देश नहीं माना है। हालांकि अब भारत ताइवान के साथ औपचारिक संबंधों को बढ़ाने पर विचार कर रहा है और अब उस पर विचार करने भी लगा है हाल ही के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। और जो हाल ही में भारत ने ताइवान के बीच व्यापारिक समझौते को लेकर भी सक्रियता बढ़ाई है।
और भारत और ताइवान के बीच जो व्यापार समझौते की चर्चा को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए भी कहा था कि भारत को ताइवान के साथ किसी भी प्रकार के संबंधों में एकल चीन की नीति का अनुसरण करना चाहिए। और परंतु अभी बीते कुछ दिनों से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बढ़ा है, ऐसे में भारत का ताइवान कार्ड खेलना कोई अस्वाभाविक घटना नहीं कही जा सकती। बहरहाल सामान्यतः जो भारत और चीन को यही संकेत देता आया है उसे एक वन चाइना पॉलिसी पर भारत की मंजूरी चाहिए, तो चीन को कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भारतीय संप्रभुता को स्वीकार करना होगा। यानी कि भारत का कहना है कि ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजेगी, चीन को भी उसमें सहयोग करना पड़ेगा, तभी भारत अपनी जो चाइना की मंशा है उस पर उसका साथ दे सकता है। तो वन चाइना सब पॉलिसी का यह टॉपिक तो यहीं पर खत्म होता है। उसके अलावा जो हमने इसमें यह जाना कि किस प्रकार से वन चाइना चाइना पॉलिसी उसको भारत का विरोध उसका मुखर रूप से विरोध तो नहीं कर रहा है, परंतु उसमें चीन का भी सहयोग नहीं दे रहा है, और ताइवान के साथ अपने जो ताइवान के साथ है अपने रिश्ते को ठीक करने में लगा है, और यह चीन के लिए एक चिंता का कारण बनता जा रहा है। और इसीलिए अब समय आ गया है कि भारत यह स्पष्ट करे कि वह इन कारणों से इस नीति का समर्थन नहीं कर सकता है। यदि चीन को भारत की संवेदनशीलता की परवाह नहीं तो फिर भारत को भी उसकी संवेदनशीलता की चिंता करना छोड़ देना चाहिए। इसी तरह यदि चीन द्विपक्षीय समझौते का पालन नहीं कर रहा है तो फिर भारत को भी यह स्पष्ट करना होगा कि वह उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बच सकती। तो यह हमारा लेख के ऊपर जो हमने चर्चा की विस्तृत रूप में, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। उसके अलावा हम एक ग्राफ देख लेते हैं चाइना और इंडिया की ट्रेड को लेकर, जो कि ये दोस्तों देख सकते हैं इंडिया वाइडनिंग ट्रेड डेफिशिएट विद चाइना। हालांकि यह अभी 19-2018 के बाद इसमें हमारी गैप कम होती जा रही है, क्योंकि हम ने इस पर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है भारत भी, परंतु 2009 से जो कि 2010 से यह मुख्य रूप से बहुत ज्यादा इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा ट्रेड डेफिशिएट है यानी कि जो व्यापार घाटा है चीन के साथ वो लगातार बढ़ रहा था। 2018 तक वो लगातार बढ़ रहा है, परंतु 2019-20 से क्या आते आते अभी वो बहुत ही धीरे धीरे अभी कम हो रहा है, परंतु अभी भी हमारा व्यापारिक घाटा जो है चीन के साथ वह अभी बहुत है। यहाँ पर देख सकते हैं आप जो ब्लू लाइन दिखा रही है हमारा एक्सपोर्ट है चाइना को, यानी हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं चाइना से, और जो हमारी रेड लाइन है वो दिखाती है कि हम कितना इम्पोर्ट कर सकते हैं, और ये डॉलर बिलियन डॉलर में हमारी है गणना। जो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो कि हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो बहुत ही कम जा रहा है, और वो लाइन देख सकते हैं आप रेड उससे बहुत ज्यादा ऊपर है, और उसके अलावा वो ऊपर और वाइडनिंग जो गैप है इन दोनों के बीच में वो बढ़ती भी जा रही है, चौड़ी होती जा रही है लाइन। तो इसी को हमें कम करना होगा, और हमारी जो व्यापारिक निर्भरता है वो चीन से हमें कम करनी होगी, और हमें इसमें आगे आना होगा, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा देना होगा, इससे भी हम चीन को काउंटर कर सकते हैं, वरना हमारा अगर चीन पर निर्भरता बढ़ती जाएगी तो हम उस पर कोई भी हमारे नीतियों का प्रभाव ज्यादा नहीं कर होगा। इसी तरह हमें अन्य नीतियों में भी बदलाव करने की जरूरत है, ताकि हम चीन को भी अगर जरूरत पड़ने पर अपना दबाव डाल सकते हैं चीन पर भी, और इसी तरीके से हम जो हमारे व्यापारिक हमारे जो व्यापारिक मार्ग है या हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति या चीन के जो चीन का अपना प्रभुत्व है उसको कम कर सकते हैं और उसका काउंटर कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो दोस्तों ये वाला लेख यहीं पर खत्म होता है, और अब बढ़ते हैं हम किस हमारे अगले लेख की तरफ, जो कि है जन कल्याण योजनाएं और सब्सिडी का दायरा। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि जन कल्याण योजनाएं और सब्सिडी का दायरा किस प्रकार होना चाहिए, और किस प्रकार से ये भारत की अर्थव्यवस्था पर और जो राज्य हैं उनकी अर्थव्यवस्था पर एक बोझ का काम कर रही हैं जो जन कल्याण योजनाएं हैं वह। तो इसके लिए हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, और यह वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।